आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो, आज का विषय है कि परमेश्वर की बुलाहट और उनकी योजना को कैसे जाने। तो आज मैं प्रभु के वचन से आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि परमेश्वर की बुलाहट और उनकी योजना को आप अपने जीवन में कैसे है जो पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हर मनुष्यों के जीवन में दो प्रकार की बुलाहट होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, तो आज मैं वो दो प्रकार की बुलाहटों के बारे में बातचीत करूँगा जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को दो प्रकार की बुलाहट दिए हैं। और वो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो दोनों बुलाहट को है जे मनुष्य है जे अपने जीवन में है जे वो ग्रहण करे, ताकि परमेश्वर उन्हें खड़ा करे और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा को ले। आज वो दो प्रकार के बुलाहट के विषय में आज बातचीत करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर का वचन है उस परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पा सकें। तो मेरे प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर वन, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। पहला बुलाहट है मेरे प्रियो कि अपने जीवन को परमेश्वर को है जे पूरे तरीका से सौंप देना। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर है जे हम आपसे चाहते हैं कि परमेश्वर के चलाए हुए और उनके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सके। जब हम वचन को देखते हैं, रोमियो अध्याय 12 के 1 और 2 आयत में जब देखते हैं, तो वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ प्रभु के दास पौलुस कहते हैं कि सबसे पहला तो बुलाहट है, प्रभु हर एक जन को चाहते हैं, हर एक मनुष्यों से चाहते हैं कि वो अपने जीवन को है जे परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने जीवन को है जे बदलाव करे, अपने आप को है जे बदले। जैसा कि वचन कहता है कि वो अपने आप को है जे जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आपका आत्मिकता जीवन बदलाव हो। सबसे पहले आत्मिक सेवा है जे आप है जे परमेश्वर को दे। जैसा कि 2 आयत में कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आपका जो है पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन में बदलाव हो। अपने आप को है जे बदल करके परमेश्वर की भली और भावती उनकी इच्छा को आप जान सकें, उनकी इच्छा को आप अनुभव कर सकें। और जब तक आप अपने आप को बदलाव नहीं कर पाएंगे, तब तक है जे आप है जे इन बुलाहटों को आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आप है जे अपने पवित्रता का जीवन शुरू करें, आप परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करें, ताकि वो परमेश्वर है जे आपको है जे अपनी हर एक इच्छाओं को आपको ऊपर प्रकट करे। ये हर एक मनुष्य के बुलाहट है मेरे प्रियो, चाहे विश्वासी हो, चाहे नए विश्वासी हो, चाहे पुराने विश्वासी हो, हर एक एक के जीवन में परमेश्वर ने इस बुलाहट को दिया है, ताकि वो अपने आप को है जे बदलाव करे। जैसा कि कहता है, संसार के सदृश न बनो। वो चाहते हैं कि जब आप प्रभु के पास आए हैं, तो आप संसार के सदृश न बने। दूसरी बुलाहट है मेरे प्रियो, सेवा का काम करना। जब इस कामों में सफल आप हो जाते हैं, तब परमेश्वर आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर आपको बोझ देना शुरू करते हैं, जिम्मेवारी देना शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप अपने बच्चों को देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि अगर आपके बच्चे आपके हर एक कहना को मानते हैं और आपके कहे अनुसार काम करते हैं, आप उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, आप समझ जाते हैं कि नहीं, ये कोई बुराई चाल नहीं चलता है, ये इधर उधर लंद फंद कोई बुराई में नहीं रहता है, ये अच्छे से जिस कामों को कहता हूँ करता है और मेरा आदर करता है और मेरे कहे अनुसार चलता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अपने बच्चों को ऊपर है जे और कामों को सौंपना शुरू कर देते हैं, बाहर के कामों को और जिम्मेवारी देना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर है, जब हम उनकी ओर अपने चाल चलन को सही रखते हैं और अपने जीवन को है जो पवित्रता के साथ और अपने जीवन में बदलाव को जब लाते हैं और परमेश्वर देखते हैं कि हमारे जीवन में भली और भावती और सिद्ध इच्छा उनके अनुभव मालूम करते हुए उनकी संगति में और उनकी उपस्थिति में जब हम आगे को बढ़ रहे हैं, तब परमेश्वर है जे दूसरी बुलाहट को देते हैं और वो सेवा का काम देते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम रोमियो 8 के 28 से 30 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, हम आप जब उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए जब आगे बढ़ते हैं, तभी है जो आगे को है जे कामों को सौंपते हैं। जैसा कि अगले वचन में कहते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा था रे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि अगले वचन कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ है जो बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है कि जब आपको प्रभु बुलाते हैं और पहले बुलाहट में जब आप उनके प्रभु के इच्छा अनुसार और उनके शिक्षाओं में आज्ञाओं में जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तब परमेश्वर है जे आपसे महिमा भी लेते हैं, आपको महिमा के लिए भी खड़ा करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं अब्राहम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता अब्राहम को है जे बुलाते हैं। अब्राहम की बुलाहट जब आप है जे उत्पत्ति के अध्याय 12 में जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि परमेश्वर के प्रति अब्राहम थे जे वो हमेशा वफादार थे, और उनके शिक्षा और उनके वचन में और उनके डर भय में हमेशा वो चलने वाले थे, और वो परमेश्वर जानते थे कि मैं इसे जो भी कहूँगा और वो है जी वो करेगा। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आपके लिए दो वचन को पढ़ना चाहता हूँ, 12 अध्याय के 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि अपने सारे है जे देश को, अपने देश को छोड़ करके, जिस देश में रह रहे उस देश को छोड़ करके और अपने कुटुंब को छोड़ करके तुम है जे उस देश में चला जा जहां मैं तुझे भेजता हूँ। और दूसरी बातों को वो कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ हम आपको वचन को मनन करना होगा और वचन को देखना होगा कि परमेश्वर पिता वो हमेशा है जे जो उनके प्रति वफादार और उनके प्रति जो विश्वास योग्य होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा वो जिम्मेवारी को देते हैं, और जिम्मेवारी इसलिए देते हैं ताकि वो है जे उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जिस कामों के लिए इसे दे रहा हूँ उस कामों में है जे वफादार है और उस कामों को है जे करने में इसको सक्षम भी है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ देने वाला है, परमेश्वर संग रहने वाला है और परमेश्वर मदद करने वाला है। आज मैं इस
हम लोग अब्राहम के कहानी से यही हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो, कि पहला तो बुलाहट है कि अपने आत्मिक जीवन को बदलना होना। जब अपने जीवन को परमेश्वर के आप हाथों में सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि पिता मैं आपके चलाए चलूँगा, मैं जानता हूँ पिता कि यही हमारी आत्मिक सेवा है, तब मेरे प्रियो प्रभु अजय आपको सेवा का काम सौंपते हैं, सेवा का काम देते हैं, ताकि आगे का जो काम है वो परमेश्वर की महिमा के लिए आप करें। और वो चाहते हैं कि जैसे आप लोगों से प्रेम रखेंगे वैसे ही है जो परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, और वो चाहते हैं कि आप है जो उनके पुत्र यीशु मसीह की तरह है जो उनके स्वरूप में हो करके परमेश्वर के काम को करें। वो अपने आप को दिखाएं कि हम परमेश्वर के प्रति कितना वफादार हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं दो बातों को आप सबके बीच में रखा हूँ। परमेश्वर की बुलाहट हर एक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के हैं, दोनों प्रकार को होते हैं और उस बुलाहट को जानना होगा। पहली बुलाहट है कि अपनी जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, और दूसरा बुलाहट है कि जब परमेश्वर आपको किसी काम के लिए कहते हैं तो उस कामों को ऊपर आगे बढ़ना। जैसा कि अब्राहम को कहते हैं कि तुम इस देश के छोड़ के तुम उस देश में जाओ जहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ, इतना ही नहीं कहते हैं अपने कुटुम्ब को भी, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके तू जा, और वो है जे परमेश्वर के कहे अनुसार है जे वो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वो वफादार हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके बात उनके हर एक वचन को अपने जीवन में वो लागू करते हैं। और जब उसको आगे को पढ़ोगे मेरे प्रियो, तो देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कितना बड़ा आशीष दिया, कितना बड़ा है जे उनको है जे पूरे मनुष्य को है जे मूल पिता बना दिया। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, मैं आशा करता हूँ कि संदेश से आप कुछ समझ पाए होंगे। अब आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे पिता, आज आपने बताया कि हर एक मनुष्य के जीवन में आपने दो प्रकार के बुलाहट को दिए हैं। पहला बुलाहट है कि वो अपने आप को, अपने जीवन को और अपने रहन सहन को, अपने कामों को और अपने बोली भाषा हर चीज़ को आपके प्रति समर्पण कर दें। वो आपके प्रति है जो वफादार रहे और आपके चलाए चले, आपका जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाए, संसार के सदृश न बने और संसार के चाल चलन को छोड़ करके वो प्रभु आपकी इच्छा को भली और भावती समझ पाए कि पिता आप क्या चाहते हैं। पिता, दूसरी जो सेवा है, जब इस पहली सेवा में प्रभु जब आगे को बढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता आप दूसरी सेवा उनको सौंपते हैं, ताकि वो लोगों को बीच में सेवा करें, लोगों को बीच में आपका प्यार और आपका प्रेम की बातें और आपके हर एक इच्छा को लोगों को बताएं, जो परमेश्वर कैसे है जे सब लोगों से प्यार करते हैं। पिता, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जितना भी यूट्यूब परिवार सुनते हैं और देखते हैं उनके घर परिवार में पिता आप है जे ब्लेसिंग कीजिए, आशीषित कीजिए। पिता, आप उन्हें जो भी दो तरह के बुलाहट देते हैं पिता, और पहली बुलाहट हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन दूसरी बुलाहट उन लोगों को जीवन में होता है पिता जो आपके प्रति वफादार होते हैं और आपके कहना को मानते हैं और आपकी इच्छा और आपके वचन में हमेशा चलते हैं। उनको आप विशेष तरीके से आप दूसरी बुलाहट को देते हैं, जैसे कि पिता आज हमने अब्राहम की गवाही, अब्राहम के उदाहरण से हम लोगों ने देखा, जैसा कि उत्पत्ति 12 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप अब्राहम को बुलाते हैं और आप है जो उनको सेवा को सौंपते हैं। आप कहते हैं कि तुम इस देश के छोड़ करके, अपने परिवार और कुटुंब के छोड़ करके मैं जिस देश में तुम्हें भेजता हूँ उस देश को तू चला जा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यूट्यूब परिवार इस वचन को सुनते हैं और इस वीडियो को सुनते हैं और प्रार्थना में शामिल होते हैं, उनके जीवन में आप विशेष कृपा कीजिए, उनके घर परिवार में विशेष आशीष दीजिए, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में दो प्रकार के जो बुलाहट हैं उनमें प्रभु जी आप बातचीत कीजिए, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वो अपने मन और हृदय को आपके प्रति है जो वफादार हो सके और अपने जीवन को बदल सके, हर एक सांसारिक सदृश्यों को वो दूर कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना आपने सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने पूरे वीडियो को देखा। हम आपको बहुत आज से धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आज से आशीष को देंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं और हमेशा हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।